और मैं बिजनेस का भी चालू नाला अपना तुला तो खुशी तबीयत बनी नहीं मन गाड़ी बंद रही पक्का नक्की ना काम है हमारे बिजनेस में 5 लोगों का काम है पूरा टोटल काम के लड़के लोग पकड़ के और उसमें मैं मम्मी डैडी इतने दिन हैंडल कर लिए ये सब झूठ है मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए गाड़ी बंद है अच्छा ठीक है मम्मी सुने तू स्कूल की लड़की है मेरा लड़का काम करता तू क्या करती वो कुछ नहीं करती So guys, तुम लोगों को एक बात बता दूं मैं जितने भी लोग फुटबॉल पसंद करते ना वो लोग एक चीज दिखाता हूँ मैं रोज गेम खेलता हूँ मैं अभी छुट्टी मिल रहा है इसके लिए बाकी टाइम पे काम करता हूँ वो तो तुम लोगों को पता है बट तुम लोगों को मैं फीफा खेलता हूँ फुटबॉल मेरा सबसे फेवरेट गेम है तो उसमें ना मैं तुम लोगों को मेरी स्क्वाड बताता हूँ ये देखो मेरी स्क्वाड देखो तुम लोग ये है मेरी स्क्वाड गाइस और 95 रेटिंग वाली स्क्वाड है मेरी ये देखो भाई और जो जो प्लेयर चाहिए ना तुम लोगों को सारे प्लेयर है यहाँ पे भाई रॉबिन वैन पर्सी है माने केविन दे ब्रुयने नकाता तियागो कोलिबाली रकेलमी कासिलास प्रिंगपोंग और स्मॉलिंग सब ये प्लेयर लोग के नाम है थोड़े अलग अलग नाम है बट कोई ना और एक बात बता दूं तो तबीयत की बात अभी कल रात को मैं वापस से गया था पैर का ड्रेसिंग वगैरह चेंज कराने गए और कल मेरी तबीयत वापस से भाभी कल मेरी तबीयत कैसी थी बोल जरा हाँ बहुत खराब कल का ब्लॉग में तो मुझे तो पता चल ही गया होगा और एक बात आया कि बिजनेस का बिजनेस स्टार्ट होगा हमारा बिजनेस स्टार्ट होने और थोड़ा टाइम में गाइस संडे से चालू हो जाएगा क्योंकि कोई भी नहीं है मैं मम्मी डैडी को हेल्प कर रहा था इसके लिए बिजनेस वगैरह चल रहा था और आज मेरी तबीयत खराब है और काम के लड़के लोग ने ना इसके लिए थोड़ा ये हो रहा और ये सुबह से पीछे गिरी है मेरे इसका वो स्मार्ट वॉच ना मेरे इसको कनेक्ट हो गया गाइस और मेरे इसको कनेक्ट हो गया इसका स्मार्ट वॉच ये देखो इसका स्मार्ट वॉच कैसा है भाई ये देखो बस ये देखो भाई अच्छा है बट तू खुश है कि नहीं मेरे फोन को कनेक्ट हो गया इसका स्मार्ट वॉच बट इसका थोड़ा ना सोने से अच्छा ना मैं थोड़ा सा बैठ के खुद को थोड़ा बिजी रखता हूँ गेम वगैरह खेलते रहता हूँ उसके पीछे रीजन यही है ज्यादा सो के रहता हूँ ना मैं वापस से बीमार हो रहा हूँ और एक बात बोलना था सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने कल रिपोर्ट चेक करा ब्लड टेस्ट वगैरह देखे और आज रिपोर्ट आने वाले है टॉयलेट से रिपोर्ट एकदम अच्छे से नॉर्मल आए और मम्मी को बहुत दिन बाद मैं मेरे ब्लॉग में दिखा गांव भी से आए मम्मी को ब्लॉग में नहीं लिया मम्मी बिजनेस का भी चालू ना अपना तुला तो तुझी तबीयत बनी नहीं मन गाड़ी बंद है पक्का नक्की ना आज तो बाहर मस्त दिन मना तो घर लड़के लोग नहीं है ऊपर से गाइस और ऊपर से मेरी भी तबीयत खराब है ठेला में ढकल के लेके आता हूँ वैन में लेके आता हूँ तो पार्सल वगैरह मैं देता हूँ इडली वगैरह मैं डालता हूँ तो काम है हमारे बिजनेस में 5 लोगों का काम है पूरा टोटल काम के लड़के लोग पकड़ के और उसमें मैं मम्मी डैडी इतने दिन हैंडल कर लिए और आज मैं ही मतलब ये हूँ बुखार मुझे हाँ वही ना बुखार आज मुझे इतना है मैं ठीक नहीं हूँ तो फिर मम्मी डैडी से तो नहीं होगा मम्मी घर पे का पूरा हैंडल कर लेगी बट डैडी को नहीं होगा भाई बिजनेस बोल ये सब झूठ है मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए गाड़ी बंद है अच्छा ठीक है मम्मी सुने मम्मी सुने सुनेगा मम्मी तू क्या वजह से गाड़ी चल रही है याद रख तू कुछ भी नहीं है तू तेरे स्कूल पढ़ जा अरे इसका मुंह देखो कैसे कर रही इसको पढ़ जा तो स्कूल की लड़की है तो मेरी बहन भी काम करती है यार रो मत यार वापस अरे रोने का चालू कर दी वापस कोई ना इसका वॉच का जो काम है ना हल्का फुल्का वो काम करता हूँ मैं पागल चल बता करूँ क्या ना को मैं अभी नाटक करती आ रही है बहुत को ओ भाई इसको सीरियल में डालना है बता हम लोगों को और ऐसे आंसू निकलते ना इसके मगरमच्छ के आंसू बता तेरे अरे बाप रे तू स्कूल की लड़की है मेरा लड़का काम करता तू क्या करती वो कुछ नहीं करती लूसी सिट डाउन लूसी सिट डाउन यस जान दो भाई इसका वॉच इसका हल्का फुल्का काम में ये करके देता हूँ मैं और कल ना मम्मी डैडी ये लोग जाके ये लेके आया भाई मिक्सर एंड लिस्ट ना नया मिक्सर लेके आए गाइस और ये मिक्सर और क्या लेके आए सेगड़ी वगैरह भी लेके आए ना वो
ये जुड़ना शेगड़ी जाने वाला है, वो वाले घर पे, क्योंकि मम्मी को इतना लोड हो चुका है काम का, और मम्मी ना काम करते करते खाना वहाँ पे ही बना लेगी, और वहाँ से काम करके आने के बाद यहाँ पे खाना बनाना भाई मजाक का काम नहीं है। सो मम्मी का भी काम थोड़ा आसान हो जाने वाला है संडे से, संडे से काम आसान होने वाला है मम्मी का। ठीक है, इधर ही चे मेरे पास तेरी घड़ी, क्या मैंने घड़ी लेके दिला, मेरी हो गई वो अभी। डिक्लाइन दिस ऑपरेशन इफ यू हैव क्वेश्चन कॉन्टेक्ट योर आईटी एडमिन। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, बट इसने अभी जस्ट मेरे को बोला सब काम करने के बाद कि मोबाइल शॉप वाले भैया ने बोला कि इसके मोबाइल में वायरस है। तेरे मोबाइल के वैसे वॉच में वायरस आ गया तो बहुत मार खाएंगे। नहीं होगा तो इसका वॉच ना मेरे मोबाइल को कनेक्ट हो चुका है, इसका मतलब मैं यूज करता हूँ इसको कभी भी अच्छे से। अरे यार ऐसा मत कर यार। कोई ना, अभी ये अभी वॉच तो देने का मेरा काम था, अभी बाकी इसका है भाई, छोड़ दो। फाइनली हमारे रिपोर्ट्स वगैरह आ गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल चलते हैं रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं, और आई होप कि रिपोर्ट्स हमारे सब कुछ ओके हो। और ये देखो भाई, जो अभी से ये बेड मेरे लिए बनाया ना, ये आराम से बैठती है बेड के मजे लेते हुए। कोई तो आया डोर पे, लेट्स सी कौन तो है। कौन है डोर पे, डोर पे कौन है, डोर पे कौन है, डोर पे आनंद भैया है लूसी के। ए चले जल्दी उठ, पहले बाद में देख तू, चल। सूझ गया ना, अभी कम है ब्रो, देख थोड़ा कल परसों से कम है, क्यों चल आए तो ज्यादा बड़बड़ कर मत, चल नकटी चल जल्दी, नहीं जाने के रिपोर्ट लेके आने का, डॉक्टर के पास का, ब्लड का रिपोर्ट लेके आने का। काय केले बोलत आहे, मीकू क्या मालूम काय केले, चल बाबी। हाँ मेरे ब्लड के रिपोर्ट्स लेने, बाबा के क्यों, मेरे ब्लड के रिपोर्ट के लेके आने के, चल जल्दी चल। और कल जो तुम लोगों ने देखा ब्लॉग, कल के ब्लॉग में ना कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी गाइस, बट आज ना अच्छी है, सो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ए यार तू आ रही क्या नहीं बोल, हाँ तेगू जब भी मंगता रहेगा तो पीछे लगी ले रहती, जब आदमी को जरूरत रहती तो आती नहीं, चलना फिर जल्दी उठना। यार हॉस्पिटल आए थे, रिपोर्ट रात को आने वाले, तो अभी हम लोग रात में आएंगे रिपोर्ट लेने, अभी चलते हैं वापस से घर पर। शाम हो चुका है और अभी ना हॉस्पिटल जाने का भी टाइम आ चुका है, एक घंटे में मैं और मेरी बहन साथ में जाएंगे रिपोर्ट्स लाने, और लेट्स सी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो भाई। रिपोर्ट्स का मुझे डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि दो तीन दिन से जो मेरी कंडीशन रही है ना भाई ख़राब, क्या ही बोलूँ मैं तुम लोगों को, बट चलता हूँ अभी फिलहाल घर पर, और थोड़ा बाहर हूँ मैं अभी, थोड़ी चीज़ें हैं तुम लोग को टाइम के साथ बता दूंगा मैं, बट एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना यही था कि रिपोर्ट्स मेरे ओके होना चाहिए, मुझे उसका डर है। और कल से मम्मी डैडी हम लोग सब काम करेंगे, कल से माल वगैरह पीसने वाले, फिर संडे को हमारा बिजनेस चालू हो जाएगा, फिर बाद में वापस से रेस्ट मिलने वाला बिल्कुल भी, जो भी रेस्ट मिलना था रेस्ट तो ले लिया मैं, और जो इन्जॉय करने का था वो अच्छे से कर नहीं पाया, क्योंकि मैं बीमारी गिर गया अचानक से और मेरे पैर को रॉड लग गया। सो कोई ना, लेट्स सी, तो चलते हैं हॉस्पिटल जाकर अभी एक बार रिपोर्ट चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि रिपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छे लगे हॉस्पिटल में से जाके अभी, मम्मी हॉस्पिटल मधून रिपोर्ट आणला, जाऊन डॉक्टरला दाखवायचं ना, डॉक्टरला दाखवायचं, अपॉइंटमेंट घेतलो 9:30 फकीराला जिओ म्हणून, हा बोला था उसको, रिपोर्ट क्या लगता कैसा आ रहेगा, नॉर्मल आ रहेगा और क्या आता है, थोड़ा ना मैं उनको पूछा वहाँ के नर्स लोगों की रिपोर्ट कैसा, उसने डायरेक्ट बोली मेरे को कि थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा नॉर्मल तो मतलब क्या, मतलब क्या वो ना, मैं भी टेंशन में, थोड़ा नॉर्मल मतलब क्या, वो या तो पॉजिटिव रहता या तो नेगेटिव रहता, उधर ऐसा नहीं आता थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, ये सब नहीं चलता भाई रिपोर्ट में, अलग ही सीन है भाई हॉस्पिटल वाले लोगों का। और बात आई जैसा मोबाइल में वायरस है, मेरी बहन में भी एक वायरस है, तो दोनों भी काम नहीं करते हमेशा की तरह। खाना तो मैं अभी नहीं खाने वाला भाई, खाना भी ना हो चुका, मैं डायरेक्ट गोली खाने वाला अभी नहीं, अभी रिसेंटली तो खाना दिया तुमने मेरे को, थोड़ा सा दिया क्यों, नहीं 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 थोड़ा बेटा सा कुछ नहीं भाई, पागल है, गोली वगैरह खाने का पहला जो खाना बराबर से हजम नहीं होगा ना, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, रात भर पता है क्या डेकर आते रहते, और मेरा कैसा ना कैसा अभी सीन मेरा कैसा चल, मैं जब भी मेडिसिन वगैरह खा रहा हूँ ना, और जब भी रात को सो रहा हूँ मेरा बुखार वगैरह सब कुछ निकलता है, और वो भी ना इतना ज़्यादा गाड़ी का सर्विसिंग, मम्मी 1200 ठीक है यार, वो बेचारा गाड़ी कितना
वो गाड़ी, वो गाड़ी कितना काम करता मालूम ना अपने धंधे पे का, दुनिया भर का काम करता भाई गाड़ी। भाजी वाला का पोता लेके आया, चटनी का कैन लेके आया, चार बार पांच बार वड़े का कैन लेके आया, सिलेंडर लेके आया, ड्रम लेके आया, ये सब चलते रहते हो गाड़ी का। 1200 रुपए देने को तुमको ये हो रहा है ना? अरे देने के लिए नहीं, फिर चाचा दूसरा नाटक कर रहे थे गाड़ी से। ऐसा नहीं रहता भाई, देना पड़ता पैसा गाड़ी को, गाड़ी फिर अपने को पैसा देता, ऐसा है। ओह माय गॉड। तो बात क्या कर रहा था यार, तुम्हारा वैसे भूल गया यार मम्मी में। बीच बीच में मत बोला यार, मैं तुम्हारा वैसे मैं कुछ तो बात कर रहा था भाई। तुम रेडी तो कुछ भी नहीं आया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बात यही है कि अपॉइंटमेंट अपनी है अभी 9:30 बजे की, और थोड़ा नेगेटिव रिपोर्ट आया बोला है ना ये लोग ने, तो इसके वजह से ना अभी टेंशन आ गया। जो भी रिपोर्ट आया टेंशन लेने का, जिंदगी में जो होने वाला रहता वो होते रहते, नहीं टेंशन लेना। सो इसी तरह आज का वीडियो करते हैं एंड। आई होप तुम लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो गाइस, देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ, तेरी खुशियों की खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वार दूँ।